Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So, गर्मियों में intimate hygiene बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सब लोग बोलते हैं कि हमें properly clean करना चाहिए, intimate wash use करना चाहिए, जिससे कि आपके private area के पास fungal infection, itching, पसीना ये सब कम accumulate हो और आप hygienic रहें. और हम में से बहुत सारे लोग intimate washes use भी कर लेते हैं, but कौन सा intimate wash best है, किस intimate wash का pH level आपके private area के लिए suitable है, तो आज हम उनमें से बहुत सारे intimate washes को test करेंगे. मैंने market में super popular 5 intimate washes मंगाए हैं, जो कि स्पेशली लड़कों के लिए होते हैं, तो आज हम सबको टेस्ट करेंगे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितना पीएच लेवल आपके प्राइवेट एरिया के लिए बेस्ट है. तो अगर आपका इंटीमेट वॉश 5-7 की रेंज में आ रहा है, सो दैट मींस कि वो बेस्ट है. आपके प्राइवेट एरिया के पास कुछ भी इचिंग नहीं होगी, डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा. अगर वो उससे ऊपर जाता है तो खुजली और इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. एंड मैं इंटीमेट वॉशेस को टेस्ट करने के लिए वही अपनी पुरानी पीएच स्ट्रिप यूज करने वाला हूं, जो कि मैंने लास्ट के काफी सारे वीडियोस में यूज करी हुई है. एंड वी नो दैट कि ये पीएच स्ट्रिप एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला इंटीमेट वॉश है पी सेफ का इंटीमेट वॉश, जिसको मैं पिछले 3 या 4 सालों से यूज कर रहा हूं. आई रियली लव इट और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट इंटीमेट वॉश है अब तक, क्योंकि इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी इरिटेशन नहीं होती है. एंड स्मेल भी इसकी काफ़ी अच्छी है एंड हाईली पॉपुलर है अमंग ऑल द यूथ. तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं. आप एक पीएच स्ट्रिप भी ले लेता हूँ. तो ये रही पीएच स्ट्रिप और ये रहा इंटीमेट वॉश पी सेफ का. लेट्स टेस्ट इट. तो मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पे रख दिया है और अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होगी या फिर कुछ भी इसमें केमिकल मिला होगा तो ये जल्दी से चेंज हो जाएगा. एंड लकीली इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इट्स टोटली फाइन. तो इसका पीएच आ रहा है अराउंड 6 के पास, सो दैट मींस कि द बेस्ट फॉर योर इंटीमेट एरिया या फिर प्राइवेट एरिया के आसपास आप इसको यूज कर सकते हैं बिंदास, किसी भी प्रॉब्लम को सोचे बिना. तो पी सेफ का इंटीमेट वॉश पूरी तरह से पास होता है एंड थैंकफुली आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम सो मेनी इयर्स एंड आई विल स्टिल कंटिन्यू यूजिंग इट. नेक्स्ट वन इज द मैन कंपनी का इंटीमेट वॉश. ये मैंने अभी एक्चुअली रिसेंटली ऑर्डर किया है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट क्लेम कि ये हाइजीन मेंटेन करता है और इचिंग को भी दूर करता है. और ये ले ली है मैंने पीएच स्ट्रिप. अब इसको इसके ऊपर डालते हैं. तो इसका कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है. सो लेट्स सी कि ये चार्ट में कहाँ पे स्टैंड करता है. इसका भी जो कलर है वो 6 के आसपास आ रहा है और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, मतलब कि आप इसको 5 और 6 के बीच में रख सकते हैं. सो दैट मीन्स कि द मैन कंपनी का इंटीमेट वॉश ये भी काफ़ी अच्छा है. मैन कंपनी का इंटीमेट वॉश भी पास होता है. नेक्स्ट वन इज स्किन एलिमेंट का मेंस इंटीमेट वॉश. ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमंग्स द यूथ और मैंने बहुत बार इसको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखा है लोगों को यूज करते हुए. सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट, सो लेट्स डू इट. ये ले लिए है मैंने यहाँ पे पीएच स्ट्रिप और अब मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ. नाउ लेट्स रब इट. इसका भी कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है एंड एक्चुअली में ये 7 के पास आ रहा है, विच इज़ फाइन. एंड अगर इससे ज़्यादा होता तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी इसको यूज़ करने में. दिस स्किन एलिमेंट का इंटीमेट वॉश इज ऑल्सो पास. नेक्स्ट वन इज अर्बन गबरू का इंटीमेट वॉश. एंड मैंने एक्चुअली इसके रिव्यूज़ अमेजोन में बहुत पढ़े थे और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बहुत अच्छा है एंड मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है, बट अर्बन गबरू इज़ द बिगेस्ट ब्रांड जो कि मेन्स ग्रूमिंग में आजकल चल रहा है. सो मुझे ये ज़रूर ट्राई करना था, सो लेट्स डू इट. ऐसे तो ये लग रहा है काफ़ी फंकी सा और ब्लू कलर का भी है. सो ये ले लिए मैंने यहाँ पे पीएच स्ट्रिप और ये मैंने डाला इसके ऊपर इंटीमेट वॉश. वेली बहुत ज़्यादा ही फोमी है, इसमें एक्चुअली थोड़ी सी ड्राइनेस है और जो सोप होना चाहिए वो इतना ज़्यादा नहीं है. तो मैं एक बार और डालता हूँ एंड लेट्स टेस्ट कि क्या होता है इसका असर. तो फाइनली ये पूरी तरह से वेट हो चुका है, अब देखते हैं कि ये कहाँ पे स्टैंड करता है. ये एक्चुअली 7.5 और 8 के बीच में है, तो दैट मीन्स कि ये आपकी प्राइवेट एरिया के पास इचिंग दे सकता है, थोड़ी सी शार्फिंग दे सकता है. ये बाकी के जो अब तक हमने टेस्ट करे हैं 3 इंटीमेट वॉशेस, उससे ये फेल हो रहा है. बट ये इतना बुरा भी नहीं है बट इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है. तो जब हमारे पास मार्केट में अच्छे इंटीमेट वॉशेज अवेलेबल हैं देन वाई टू टेक रिस्क. तो ये अर्बन गबरू का इंटीमेट वॉश मेरे इस टेस्ट में तो फेल हुआ है. तो लेट्स टेस्ट द लास्ट वन, विच इज मैन मैटर्स का स्विश इंटीमेट वॉश. ये एक्चुअली मेरे पास आया था काफ़ी टाइम पहले फॉर अ रिव्यू और मैंने इसको एक दो बार यूज़ किया था, बट उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग पी सेफ का. सो लेट्स टेस्ट कि ये सच में अच्छा है या नहीं. ये ले ली मैंने पी एच स्ट्रिप. ओके, इट्स क्वाइट हैवी एंड मैं इसको प्रॉपरली रब कर देता हूँ. एंड दिस इंटीमेट वॉश इज ऑल्सो वेरी गुड, कुछ भी ऐसा कलर चेंज नहीं हुआ है. अब इसको
पीएच चार्ट में देखते हैं कि ये कहाँ पे स्टैंड करता है. स्टैंड करता है अराउंड 6 के आसपास, विच इज़ फाइन. 6 to 7 रेंज इज़ फाइन. सो आप ये वाला जो मैन मैटर्स का इंटीमेट वॉश है ये भी प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं. तो हमने 5 इंटीमेट वॉशेस टेस्ट करे और उनमें से सिर्फ एक इंटीमेट वॉश फेल हुआ है, वो भी पार्शली. अब एक अच्छा इंटीमेट वॉश तो यूज़ करना ही चाहिए, साथ साथ सिंकी बॉल्स और जो पसीने की जो प्रॉब्लम है और प्राइवेट पार्ट के एरिया को हाइजीनिक रखने के लिए मैं कुछ और भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं. जब कभी भी आप धूप से वापस घर आते हैं, कॉलेज, ट्यूशन या फिर ऑफिस, कहीं से भी बाहर से अंदर आते हैं, तो आपको हमेशा एक क्विक शावर लेना ही चाहिए. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस एरिया को हम जितना क्लीन रख सकते हैं नेचुरली, दैट वी शुड डू. अगर आप शावर नहीं लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप अंडरवेयर को ज़रूर चेंज करिए, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और इचिंग की प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाती है. मैनस्केपिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको एवरी डे नहीं तो हर 2 से 3 दिन में करना ही चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक अलग से ट्रिमर रख लीजिए जो कि आप बाथरूम में रखिए, क्योंकि आप सिर्फ प्राइवेट एरिया के हेयर्स को ट्रिम करने के लिए यूज करें, बाकी और कहीं भी मत यूज करिए बियर्ड वगैरह में, क्योंकि उससे इचिंग हो सकती है. वाटर प्रूफ होगा तो ज्यादा बेटर है. एंड जब कभी भी आपको लगे कि थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, देन यू कैन जस्ट ट्रिम इट डाउन एंड क्लीन योर प्राइवेट एरिया. करेक्ट अंडरवेयर पहनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई वुड सजेस्ट कि जो आपके बॉल्स हैं वो आपके बेस्ट बडीज़ हैं, तो आप उनको कॉटन में रैप करके रखिए, यानी कि सिर्फ कॉटन के अंडरवेयर्स पहनिए. तो मैंने रिसेंटली एक बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड्स के ऊपर वीडियो बनाया, तो आप वो ज़रूर चेकआउट करिए. वहाँ पे सारे अंडरवेयर जितने मैंने शो करे हैं सबके सब 100% कॉटन के हैं, तो आप उनमें से कोई भी अपने पसंद का ब्रांड चूज़ कर सकते हैं एंड जस्ट स्टार्ट वेयरिंग देम. के अलावा भी अगर आपको इचिंग हो रही है तो आई वुड सजेस्ट कि हर वीक में आपको एक कर्ड इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए, जो कि नेचुरल होता है, हाइजीनिक होता है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो थोड़ा सा कर्ड लेकर के अपने प्राइवेट एरिया के पास अच्छे से मसाज करिए एंड जस्ट वॉश इट ऑफ विद वाटर, एंड उसके बाद जो भी इंटीमेट वॉश आप यूज़ करते हैं उससे आप अपने क्लीन कर लीजिए. आई एम गारंटिंग यू कि जितने भी स्वेटी बॉल्स या स्टिंकी बॉल्स की प्रॉब्लम है और जितना भी इचिंग अगर आपके प्राइवेट एरिया के पास होती है, तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी. एंड जो मैंने इंटीमेट वॉश आपको सजेस्ट करे हैं जो पास हुए हैं आज के पीएच टेस्ट में, वो जरूर यूज़ करिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन.